अल्लाह व्यूअर्स आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूँ आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब सलामकुम सर व्यूअर्स हम आपको बताते चले कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है ब्रास टैक्स में सही थ्रेड्स टू तो पाकिस्तान के नाम से जब कुछ ऐसा गुजर जाता है हालात का फिर जायजा लेते हैं हम जैद साहब जो है इसका एक पूरा ब्रीफ एनालिसिस जो है तैयार करते हैं और उसको हम दिखाते हैं आपके सामने पेश करते हैं सीआई आई है थ्रेड्स टू पाकिस्तान में बताते चलो मैं आपको कि उसके हम थ्री पार्ट जो हैं वो ऑनर कर चुके हैं और आज फोर्थ पार्ट है इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत क्रिटिकल हैं लोगों के अंदर काफ़ी इस हवाले से तशवीश पाई जाती है जैद साहब से जानते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा जी जैद साहब देखिए मारूख हमने जिस तरह आपने कहा कि सी आई ए टू पाकिस्तान पार्ट वन टू और थ्री हम रिकॉर्ड करके एयर कर चुके हैं exactly. आज इसका चौथा प्रोग्राम है अमेरिकन ने जब ये नई पॉलिसी ओबामा डॉक्ट्रिन पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय करना शुरू की उस इलेक्शन के बाद उसके लिए जो कलीदी रोल कलीदी किरदार उन्होंने जिस शख्स को दिया वो रिचिड होलब्रोक है ये बात हम अपने लोगों को बताते चले कि रिचर्ड होल्ड्रोक ये वो शख्स है कि जब अमेरिकन ने यूरोप में यूगोस्लाविया को तोड़ने का प्रोग्राम बनाया था और यह फैसला किया था कि यूगोस्लाविया जो कि प्रो सोवियत प्रो रशिया मुल्क था उसको तोड़कर छोटे छोटे कई ममालिक तकसीम किया जाएगा बॉस्निया क्रोएशिया सर्बिया तो उस सारे प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए और यूगोस्लाविया को तोड़ने का जो फाइनल मुहिदा किया गया था डेटा ऑन पीस एग्रीमेंट उस तमाम प्लानिंग को करने वाला रिचर्ड होल्ड्रुक था और यही रिचर्ड होलब्रुक अब भेजा गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अंडर एफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को वो एक थिएटर ऑफ ऑपरेशन कह रहे हैं okay. और उसका मकसद वही है जो उसने में किया था कि पाकिस्तान को यहां लाकर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके तोड़ दिया जाए यह उसकी प्लानिंग थी ये उनकी डॉक्ट्रिन है युगोस्लाविया डॉक्ट्रिन अब एफ पैक डॉक्ट्रेन के तहत लाके एग्जैक्टली अप्लाई की जा रही है और जो शख्स इसको इंप्लीमेंट कर रहा है उसका नाम रिचर्ड होलब्रुक है एक बात

और अपनी फौजों को दाखिल करने का हक रखते हैं पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जहां इनके बकौल चाहे चित्राल से लेकर कोयटा तक तालिबान या उसामा या मुल्ला उमर या कोई और फर्ज जिसको ये अपना खतरा समझते हैं जो मीडिया के जरिए तूफान क्रिएट करके जो परसेप्शन और झूठ बोलते हैं right. उसके मुताबिक ये जहां चाहेंगे हमला करेंगे इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो डॉक्ट्रिन अप्लाई की है और जो युगुस्लाविया में इससे पहले अप्लाई की थी उसके कुछ पैरामीटर्स हैं उसकी कुछ बुनियादी कलीदी किरदार या रोल्स हैं या पॉलिसीज हैं जो इन्होंने इंप्लीमेंट करनी है उसका सबसे पहला रोल जो पाकिस्तान में जो एलिमेंट्स पांच या छह एलिमेंट्स की करना चाहते हैं उसमें यह कि कमजोर और वीक हुकूमत का क्याम जो किसी तरह भी पाकिस्तान की इज्जत और आबरू की हिफाजत करने के काबिल ना हो और मरकज इतना कमजोर कर दिया जाए कि प्रोवेंशियल ऑटोनोमी के नाम पर तमाम सूबों को सियासी तौर पर ही बिखेर दिया जाए आजकल आप अगर देख रहे हैं पाकिस्तान में तो प्रोवेंशियल ऑटोनॉमी का शोर बहुत ज्यादा है इन हालात में कि जब चारों तरफ तो से मुल्क खतरा में घिरा हुआ है बगावतें मुल्क मुल्क के के अंदर है है कमजोर हो चुका प्रोविंशियल लिए खुदकुशी होगी और प्रोविंशियल इटोनॉमी की बातें करने वाले वही लोग हैं जिनका बैकग्राउंड मशकूक है ये वो तमाम लोग हैं कि जो पहले रूस के साथ मिलकर या आज अमेरिकन के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं और अब कुछ हुकूमत में शामिल हो गए और कुछ नीचे बगावतें बर्पा कर, करके पाकिस्तान के अंदर ये यह देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत अब इस काबिल नहीं रही है कि एक फंक्शनल स्टेट के तौर पर रह सके right. तो ये पहला मरकज था कमजोर हुकूमत का क्या वो इन्होंने कर लिया दूसरा उनका जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटी पॉलिसी टैक्टिक मूव था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस तरह तबाह कर दिया जाए कि पाकिस्तान की आइंदा आने वाली हुकूमतें भी इस मुल्क को ना संभाल कर जिसके लिए आई एम एफ से जिस तरह मुहदे किए गए हैं जिन शराइ पर मुआदे किए गए हैं और जितनी भारी तादाद में कर्ज लिया गया है जो कि वो कर्ज मुल्क में वो पैसे मुल्क में कहीं इस्तेमाल होते नजर नहीं आ रहे बिल्कुल पाकिस्तान के सिक्योरिटी और डिफेंस का फंड रोक दिया गया है पाकिस्तान का डेवलपमेंट फंड ऑलमोस्ट नहीं है करप्शन इस लेवल पर है कि सारे पैसे जो आ रहे हैं वो प्रैक्टिकली पेरिस क्लब को वापस जा रहे हैं मुल्क को कुछ भी नहीं मिल रहा है ओके। so, ये इकोनॉमी वो फैक्टर वीक कमजोर हुकूमत का क्याम इकोनॉमी दूसरी तीसरा जो स्टेप इनका था कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी इंसर्जेंसी और बगावतों को बर्पा कराकर कर यह तस्वर दिया जाए कि पाकिस्तान अब बिल्कुल फेल्ड स्टेट है और टूट के अलग होने वाला है उसका न्यूक्र और मिसाइल वो अब दुश्मनों के हाथों में या दहशत गर्दों के हाथों में जाने वाला है इसके लिए कराची में इन्होंने फसाद करवाने लिसानी और कौमियत की बुनियाद पर फसाद कराने का एक बड़ा गेम है दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के अंदर एक फसाद बर्पा करने का प्लान और तीसरा तहरीके तालिबान को सपोर्ट करके पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज सवात वैली से लेकर साउथ वजीरिस्तान तक ये देना कि तालिबान आ रहे हैं पाकिस्तान पर तालिबान कब्जा करने जा रहे का पॉलिसी है जो ये, जो ये वो एक करेंट करेंट पॉलिसी रहे हैं। का हिस्सा है ये राइट चौथा जो इनका मेन पिलर है जो उस पूरी ओबामा डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन या होलब्रुक का एफ पैक डॉक्ट्रिन का हिस्सा है वो ये है कि पाकिस्तान में मीडिया कंट्रोल करके इतनी डिस इन्फॉर्मेशन झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जाए कि इलेक्ट्रिकली पूरी कौम का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए बिल्कुल लोग हाइपरटेंशन का शिकार हो जाए और कौन ये समझने लगे मायूसी के आलम में कि अब मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है और ये मुल्क टूट के अलग होने वाला है। और एक्जैक्टली exactly देख रहे हैं आप हम उनका सारा गेम प्लान आपके सामने बहुत रहे हैं। है, हर जगह लोग बहुत परेशान जब दुश्मन का गेम प्लान खोल दिया जाए तो रिस्पॉन्स एक एक करके डेवलप करना आसान होता है और हम इसीलिए उनकी पूरा गेम प्लान आपके सामने खोल रहे हैं पांचवा जो स्टेप इनका है जो सबसे क्रिटिकल जो एलिमेंट है कि इन्होंने हमारे न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम तक पहुंचना है और जब तक पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को यह न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं इंडिया और इसराइल दोनों पाकिस्तान से शरीद खतरे में रहते हैं पर्टिकुलरली पर्टिकुलरलीफपै डॉक्ट्रिन इसराइली और मगर न्यूक्लियर प्रोग्राम तक पहुंचने से पहले इनके दो इदारे पाकिस्तान के ऐसे हैं कि जिनको न्यूट्रलाइज करना या उनको खराब करना या उनको पाकिस्तान की कौम से लड़वाना बहुत जरूरी है एक आई एस आई दूसरा पाकिस्तान आर्मी